अब मुझे पता चला कि पंजाब के लोग इतने रोमांटिक क्यों होते हैं। कभी मैं किसी लड़की को देख के तू कैंट है ऐसे बोल सकता हूँ, कैंट गाना ऐसे नहीं बोल रही है मुझे। अरे मैनू ना क्यों। अच्छा मोनिका तू कैंट है, कैंट भाई मैंने किसी को नहीं दिखाया। तू चीज थोड़ी है, तू तो वो खाने वाली चीज देखो, कांदा भजी। बिग बॉस खुद ही गेम इस बार तो खुद ही खेल रहे हैं और थोड़ा सा बायस्ड भी हो रहे हैं। सत श्री अकाल, तुम देख रहे हो फिल्मीगढ़, मैं पराग सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ। अज मैं थोड़ा बहुत खास इंसान नाल मिलवान जा रहा, सारे उन्होंने बहुत बड़े फैन ने, मेरे नाल ने विशाल भाई। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी, क्या किड़ा हाल चाल, इतनी पंजाबी आते हैं चल जाएगी इन्नी पंजाबी। मैं पंजाबी पूछूंगा, तुसी जवाब अपनी है ना जिम्मे देना। मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पूछूंगा। अच्छा पहले तो ये दसो पंजाब जाके किवें दा लग रहा, ऑल द वेदर किवें दा माहौल। बहुत अच्छा लग रहा है यार। अब मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा कि ऐसा वेदर पूरे इंडिया में होना चाहिए साल भर, मतलब गर्मी आए नहीं, ये वेदर बहुत अच्छा है। 22-23 डिग्री रहे पूरे इंडिया में, मुंबई में स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ मुंबई में, तो बहुत अच्छा लगेगा। बट ऐसा वेदर मिलता नहीं है, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड इन पंजाब। दिस इज़ प्लेजेंट वेदर, दिस इज़ रोमांटिक वेदर। अब मुझे पता चला कि पंजाब के लोग इतने रोमांटिक क्यों होते हैं। ऐसा वेदर होगा तो कोई भी रोमांटिक हो जाएगा। रकीब है ना, मैंने देखा बहुत कैंट गाना और बहुत अच्छी आवाज, मतलब मस्त मस्त मस्त। कैंट मतलब बढ़िया, नया वर्ड सीखा मैंने, कैंट। तो अभी मैं किसी लड़की को देख के तू कैंट है ऐसे बोल सकता हूँ, कैंट। ओके कैंट गाना ऐसे नहीं बोल रही है मुझे। अरे मैनू ना क्यों। अच्छा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया गाना है ना, थोड़ी एक्टिंग भी बहुत कैंट लग रही है, बॉडी जेडे ऐप दिखाया। देख एक्सक्लूसिव है ये, मैंने किसी को नहीं दिखाया, ओरिजिनल VFX में ओरिजिनल। अच्छा पाजी रकीब दा पहला मतलब दसो, बहुत जाने इदां दे होणगे जिन्हां मतलब नहीं पता। जैसे लड़का होता है लड़की होती है, सौतन होता है रकीब होता है, सो रकीब इज द जेंडर डेफिनेशन ऑफ अ मेल, जो सौतन का ऑपोजिट है। सो रकीब इज अगर आपकी गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड है, दैट इज रकीब। ਭਾਜੀ ਬਿਗ ਬੋਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਗ ਬੋਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੋਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? यार मुझे जो भी काम अच्छा हो ना उसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं वैसा काम करता ही नहीं जो मुझे पसंद नहीं आए। मैं उस स्पेस में चला गया हूँ लाइफ में जहाँ पर मैं बहुत लिमिटेड काम करता हूँ, जहाँ पर मैं अगर दिल को कोई छू ले तो काम करता हूँ। पैसे के लिए सभी काम करते हैं, हाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब ये फेज़ है कि मैं पैसे के लिए नहीं काम करता, मैं मन की शांति के लिए और अच्छा काम करता हूँ। तो मुझे रकीब गाना ही इतना पसंद आया, क्योंकि मेरे बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ ऑफ़र हुए हैं, मैंने नहीं किया। रकीब मेरे दिल को छुआ, मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टनर एक सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप फिल्म आएगी आप खुद बोलोगे। सो मैं हर वो काम करूँगा, मुझे मेरे लिए ना जेन्युइनली बता रहा हूँ, मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। तो जो भी अच्छा काम होगा वो ज़रूर करूँगा। भाजी इस बार बिग बॉस नो फॉलो कर रहे हो जो इस सीजन लड़ी हो, मोनिका तू कैंट है, कैंट किसने बोला? कैंट तू कैंट है, कैंट थोनू पता है, मस्त आई कैंट, आई कैंट, आई कैंट, यू कैंट, आई कैंट यू कांट, आई एम कैंट बट यू कांट। अच्छा कैंट but I can, you can't. अच्छा मोनिका पहला था होनी तो चले गए सी, आपा बहुत गल्ला हो गया, हुन दसो इन्हां ने सेट दे जा पहली बार मिले उदो की सीगा, किवें दा एक्सपीरियंस सीगा नाल इकट्ठे काम? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, मतलब मैं बोलना चाह रही हूं आपकी लैंग्वेज में, सो नाइस, ओके मैं अपना बोलती हूं। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सब बहुत फ्रेंडली थे, कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था शूट कर रहे, और लाइक कि बोले ना सारे कहीं पिकनिक पे चले गए एंड वी आर हैविंग फन, सो या। और थोड़ा जो हमारा लोकेशन था वो भी उस टाइप का था, प्यारा सा घर था, और स्पेशली वहाँ पे हमें एक डॉगी भी मिला था, वो बहुत क्यूट था, और
बाकी बोलूँ काम साथ में करने के लिए तो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। ठीक है, अच्छे थे अब अच्छे नहीं? आपको कैसे पता? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, सॉरी, ये बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है। बिग बॉस की गल कर रहा सी, बिग बॉस हूँ कि फॉलो कर दे तुसी, हुण देखते हो? फॉलो कर रहा हूँ यार, मैं रिव्यू करना है मुझे हर वीक, आई रिव्यू, आई हैव अ शो डंके की चोट पर जिस पर मैं रिव्यू करता हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है बिग बॉस। प्लस ना एक खुद का सीजन होता है, उसके बाद बाहर निकल कर नेक्स्ट सीजन देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि देयर इज नॉट अ नॉस्टैल्जिया, यू फील के मैं इस घर में था, अब कौन है, क्या कर रहा है वहाँ पर। भजिया देखो, वो मुंबई में मिलता है भजिया, तुम लोग बोलते हैं? अच्छा, ओके, अपन उसको कांदा भजिया बोलता है मुंबई में। सो अब एक मुंबई की चीज़ दिखी मुझे, सॉरी। हाँ तो पकौड़े पंजाब नहीं है पहला। हाँ उधर देख रहा, ये नहीं है, ये तो तू चीज थोड़ी है, तू तो वो खाने वाली चीज देखो, कांदा भजी। सो नॉस्टैल्जिया आ रहा है बॉम्बे चीजें देख। हाँ यार, जैसे बिग बॉस के बारे में नॉस्टैल्जिया आता है, वैसे ही वो कांदा भजी देखकर पहली मुंबई की चीज दिखी मुझे पंजाब में। सो वो है नॉस्टैल्जिक, यू फील नॉस्टैल्जिक, पर हर साल गेम बदलता है, हर साल प्लेयर्स बदलते हैं। बिग बॉस खुद ही गेम, इस बार तो खुद ही खेल रहे हैं और थोड़ा सा बायस्ड भी हो रहे हैं, पर साजिद सर और उनके गैंग के साथ थोड़ा सा बायस्ड हो रहे हैं, पर वो कब गेम पलट देंगे आपको, लोग जहाँ लोगों इस वक्त लग रहा है ना कि साजिद सर, अब्दू, शिव और उनके साथ बिग बॉस बायस्ड हो रहे हैं, मुझे भी लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरा पासा पलट जाएगा एंड प्रियंका, अंकित एंड अर्चना गैंग विल हैव द पावर। वो गेम जब पलटेगा तब बिग बॉस इंटरेस्टिंग होगी और उसी का इंतजार है, सो डोंट वरी, इट विल हैपन। अच्छा मोनिका, मैं ऐ लग रहा है बिग बॉस नहीं फॉलो करते, जब बोल रहे थे तो आई स्वेयर यू गॉट इट, आई नेवर सीन बिग बॉस एवर, बट व्हेन आई मेट हिम, इन्होंने मुझे सब बताया क्या होता है, कैसे, तो वीडियोस दिखाई, सब चीजें बताई, सो आई हैव लिटिल नॉलेज नाउ, बट उससे पहले मुझे कुछ अदा बताने था। मुझे ऑफर आएगा तो जाना चाहूँ? नहीं, मैं ना, मैं नहीं जा सकती, फोन के बिना, मक्खन के बिना, खाने के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, मुझे के बिना रह लेगी मक्खन। और इन्होंने मुझे बताया कि एक वक्त था इनको एक पराठा और दो बिस्कुट मिलता था, इसमें एक दो बिस्कुट ये खाते थे और पराठा किसी को दे देते थे, तो ये पूरे दिन मैं तो रहूँ ना बिल्कुल भी। इस सीजन में शालिन का चिकन फेवरेट हो गया है और फेमस हो गया है, शालिन के चिकन की तरह मोनिका का मक्खन फेवरेट हो जाएगा अगर वो गई, होना चाहिए, और उम्मीद है दोनों ऑफर भी है। थैंक यू सो मच, बहुत चंगा लग गया थोड़े ना गल करके दोनों नाल, उम्मीद करते हैं सॉन्ग सुपर डुपर हिट होवे ते तुसी इदां दे वधिया काम कर दो। हाँ, तुसी सारे लोग कैंट हो।